हेलो फ्रेंड्स, एलबी टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक्वागार्ड अल्कलाइन न्यू मॉडल इंस्टॉलेशन और डेमो करने जा रहा हूं, तो आप वीडियो में बने रहें और अंत तक देखें। दोस्तों, ये एक्वागार्ड का अल्कलाइन मॉडल है। इसमें यूवी कार्टेज लगा हुआ है, मतलब यू बॉइलिंग लगा हुआ है। टेस्ट एडजस्टेबल भी, जो टीडीएस एडजस्टमेंट हम लोग बोलते हैं, और आरओ मेम्ब्रेन लगा हुआ है। और इसमें एक न्यू जो आई फिल्टर होता है और एक सेमी ब्लॉक होता है, वो भी लगा हुआ है। और इसमें ऑटोमेटिक जो अल्कलाइन वाटर है वो भी आपको इसमें मिलेगा, उसका अलग से कार्टेज लगा हुआ है। तो हम मशीन निकाल लेते हैं, और ये जो इनलेट पाइप है और आउटलेट पाइप है, और इसमें एक डायवर्टर जो रहता है, और मशीन हम एक्चुअली निकाल चुके हैं, और इसका देख लेते हैं कि कहीं कोई प्रकार का दिक्कत तो नहीं है। तो ये कितना अच्छा डिजाइनिंग में भी दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं। आगे पीछे करके देख लेते हैं, तो ये सही है। और मैं इसको जा रहा हूँ अब, इसका ऊपर वाला जो टैंक है उसको खोल लेते हैं, इसमें भी सही है। एक्वागार्ड न्यू मॉडल जो कि अभी मैं इंस्टॉलेशन किया हूँ, तो इसमें कैसे प्रोसेस है, कैसे कैसे फिल्टर करता है और कैसे क्या करता है, तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे कि अभी ये वाला जो लाइट ब्लिंक कर रहा है ना, ये लाइट जब मशीन अभी चल रहा है, मतलब अभी जो पानी प्रोसेस हो रहा है, मतलब टैंक अभी जो भर रहा है, तो अभी ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब कि कंटिन्यू नहीं जल रहा है। जब कंटिन्यू जलता है ना तो टैंक फुल हो जाता है, और जब टैंक फुल होता है तो ये कंटिन्यू जलता है। तो अभी ये आपका चल रहा है मशीन, इसके लिए अभी प्रोसेस में, इसलिए पानी इसका फुल नहीं हुआ है। तो कैसे फिल्टर करता है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले ये इनलेट वाला जो पानी है, जो हमारा टैंक से पानी आता है डायवर्टर से होके, सबसे पहले आई फिल्टर में जाता है। आई फिल्टर में गया, उसके बाद फिर एसबी में गया, जो कि इसको सोनोलट बल्ब कहते हैं। सोनोलट बल्ब होके मोटर में जाता है, जो कि पंप मोटर अलग अंदर लगा हुआ है। उसके बाद फिर सेमी ब्लॉक में जाता है। सेमी ब्लॉक में जाने के बाद एक जो पानी टीडीएस एडजस्टमेंट के लिए, एक इधर आ जाता है टीडीएस एडजस्टमेंट के लिए, और एक चला जाता है आरओ मेम्ब्रेन में। आरओ मेम्ब्रेन में गया, उसके बाद फिर पानी चला गया यूवी लैम्प, जो कि बैक्टीरिया वगैरह जो मारता है, ई बॉइलिंग जो बोलते हैं, उसमें चला गया। उसके बाद जो एक और उसे जो फिल्टर निकलता है, अंदर एक कार्टेज लगा हुआ है, कार्बन कार्टेज यूएफ फिल्टर, उसमें गया। उसके बाद जाता है टैंक में, जो कि पीने के लिए पानी आता है। अब हम इसमें यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं पानी को, जैसे कि हमको चाहिए 80 टीडीएस, 100 टीडीएस या 150 टीडीएस, जो एक पानी इधर से गया और एक पानी आरओ मेम्ब्रेन से निकलता है, तो उसमें हम टीडीएस एडजस्ट करते हैं। तो ये ऐसे फिल्ट्रेशन करता है पानी। एक बार इसका डेमो फिर से मैं बता दे रहा हूँ कस्टमर को। जैसे कि ये पूरा हो गया है, ये स्विच आपका हर समय ऑन रख सकते हैं, नहीं तो इसको ऑफ कर सकते हैं। ये पानी कभी भी बंद नहीं कीजिएगा, आप नल से इधर खोल सकते हैं, लेकिन इसको आप बंद नहीं कर सकते। प्लस देखिए, अभी सबसे पहले न्यू इंस्टॉलेशन है, तो आपको एक बार पानी पूरा जब ये भर जाएगा ना, तो ये कंटिन्यू लाइट जलता रहेगा। अच्छा। और जब आपका मशीन चलेगा तो ये ब्लिंक करके मतलब जलता रहेगा। अब एक गिलास भी निकालिएगा ना तो बिलिंग करने लगेगा, क्योंकि मोटर इसका स्टार्ट हो जाता है, और जब टैंक फुल हो जाएगा तो इसके जैसा आपको कंटिन्यू जलता रहेगा। अच्छा। तो पानी आप ऐसे भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे आप ले सकते हैं। कभी भी कोई दिक्कत होता है ना तो सर्विस के लिए, तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं। अच्छा। इसमें रेट जलेगा, प्लस ये आपका पावर का हर समय जलता रहेगा, जी जी। और इसमें सबसे पहले अभी करना क्या है कि सबसे पहले टैंक जब फुल हो जाएगा, कंटिन्यू लाइट जलता रहेगा, मशीन से हल्का भी साउंड नहीं आएगा, तो आप स्विच ऑफ कीजिएगा और पानी पूरा गिरा दीजिएगा। अच्छा। दोबारा से ही पीजिएगा। अच्छा। ठीक है, डेमो इसका हो चुका है, तो मैं इसका एक बार सर्विस के बारे में बता दूं, तो चार सर्विस ऑटोमेटिक कंपनी के द्वारा जनरेट होके आता है। कोई भी प्रकार का दिक्कत होता है, जैसे इलेक्ट्रिक टेस्ट या सर्विस आपको करवाना हो, तो आप कंप्लेन इसका टोल फ्री नंबर में आप अपने से करवा सकते हैं। तो एक साल तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मिलेगा, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा इस मशीन में।
तो आपका जब 1 साल हो जाएगा, 6,000 लीटर यूज जब पानी हो जाएगा, तो जब इंटरनल फिल्टर अगला साल चेंज कीजिएगा, तो या तो आप वारंटी एक्सटेंडेड करवा लीजिए या तो ओडब्ल्यू में आप करवाइए। मेरे तरफ से अच्छा रहेगा कि वारंटी एक्सटेंडेड करवाने से ही फ़ायदा है। और इसमें ये है कि यदि आप वारंटी एक्सटेंडेड कर लीजिएगा तो एक बार आपको इंटरनल फिल्टर मिल जाएगा, प्लस सर्विस भी आपको साल भर में मिलता रहेगा। ये आप मेरे वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रकार का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।